बात करते हैं वृश्चिक राशि की जो वृश्चिक राशि के जातक हैं आज आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी खिलाड़ियों हो हो के लिए समय बहुत अच्छा चल रहा है जो विद्यार्थियों के एकेडमिक करियर के लिए समय ठीक है पराक्रम से धन लाभ मिलेगा संपत्तियों के मामले में आपकी संपत्तियों में वृद्धि होगी माली हालत अच्छी होगी दूर देश की यात्रा हो सकती है और कई महत्वपूर्ण कार्य होने से मन प्रसन्न रहेगा पेट से संबंधित कोई दिक्कत है वो समाप्त होगी और और भी कई महत्वपूर्ण कार्य होने से मन प्रसन्न रहेगा विवादित प्रॉपर्टी तक खरीदने से बचे सावधानी क्या बरतनी है खान पान पर नियंत्रण रखें उपाय क्या करना है उपाय ये करना है कि आप हनुमान जी की आराधना करें और गरीबों की मदद करें उनको भोजन करावें शुभ अंक एक शुभ रंग है लाल लक मीटर सात हरे कृष्ण अब आइए हम बात करते हैं आज के पंचांग की आज है तीस सितंबर 2024 दिन है सोमवार तिथि त्रयोदशी मग्घा नक्षत्र है सूर्योदय हो चुका है सवेरे छः बज के सत्रह मिनट पर सूर्यास्त होगा शाम को छः बज के चार मिनट पर वणिजकरण है चंद्रमा रहेगा सिंह राशि में आज शुभ मुहूर्त ग्यारह सैंतालीस से लेकर बारह बज के चौंतीस मिनट दोपहर तक रहेगा राहु काल है सुबह सात छियालीस से लेकर नौ बज के चौदह मिनट तक रहेगा पूर्व दिशा का दिशाशूल है आज आपको क्या ध्यान रखना है कि चंद्रमा है सिंह राशि में तो आज अपने आलस्य का प्रत्याग करिए लक्ष्य के प्रति लग जाइए आज आपको बड़ी सफलता मिलेगी मान सम्मान मिलेगा प्रत प्रतिष्ठा मिलेगी और आपके सारे रुके हुए कार्य संपन्न होंगे दूसरी बात का ध्यान रखना है कि राहु काल में कोई कार्य न करें शुभ मुहूर्त में किया गया कार्य आपके लिए लाभप्रद होगा और दिशाशूल में यात्रा करने से परहेज करें लेकिन लगता है यात्रा लंबी दूरी की है करना ही अपरिहार्य है तो एक दिन पूर्व शुभ मुहूर्त में प्रस्थान निकाल के यात्रा करें तब आपका यात्रा अच्छा हो जाएगा अब आइए हम बात करते हैं आज के महामंत्र की आज का महामंत्र है ओम पार्वती पतेह नमः हर हर महादेव यह जो महामंत्र है भगवान भोलेनाथ का है अगर आप इस महामंत्र का जप करते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा भगवान भोलेनाथ की कृपा बरसेगी आपकी परेशानियाँ दूर होंगी यदि आप किसी प्रकार की परेशानी में परेशान हैं अगर भगवान भोलेनाथ की आराधना करते हैं तो आपके समस्त संकटों का समाधान होगा इस मंत्र का जप कैसे करना है रुद्राक्ष के माला से मंत्र का जप करना है और कम से कम एक माला करें आपके लिए अच्छा रहेगा आइए हम बात करते हैं आज के पंचांग की आज है तीस सितंबर 2024 दिन है सोमवार तिथि त्रयोदशी मग्गा नक्षत्र है सूर्योदय हो चुका है सवेरे छः बज के सत्रह मिनट पर सूर्यास्त होगा शाम को छः बज के चार मिनट पर वणिष्करण है चंद्रमा रहेगा सिंह राशि में आज शुभ मुहूर्त ग्यारह सैंतालीस से लेकर बारह बज के चौंतीस मिनट दोपहर तक रहेगा राहु काल है सुबह सात छियालीस से लेकर नौ बज के चौदह मिनट तक रहेगा पूर्व दिशा का दिशाशूल है आज आपको क्या ध्यान रखना है कि चंद्रमा है सिंह राशि में तो आज अपने आलस्य का प्रत्याग करिए लक्ष्य के प्रति लग जाइए आज आपको बड़ी सफलता मिलेगी मान सम्मान मिलेगा प्रत प्रतिष्ठा मिलेगी और आपके सारे रुके हुए कार्य सम्पन्न होंगे दूसरी बात का ध्यान रखना है कि राहु काल में कोई कार्य न करें शुभ मुहूर्त में किया गया कार्य आपके लिए लाभप्रद होगा और दिशाशूल में यात्रा करने से परहेज करें लेकिन लगता है यात्रा लंबी दूरी की है करना ही अपरहार है एक दिन पूर्व शुभ मुहूर्त में प्रस्थान निकाल के यात्रा करें तब आपका यात्रा अच्छा हो जाएगा अब आइए हम बात करते हैं आज के महामंत्र की आज का महामंत्र है ओम पार्वती पतये नमः हर हर महादेव यह जो महामंत्र है भगवान भोलेनाथ का है अगर आप इस महामंत्र का जप करते हैं तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा भगवान भोलेनाथ की कृपा बरसेगी आपकी परेशानियां दूर होंगी यदि आप किसी प्रकार की परेशानी में परेशान हैं अगर भगवान भोलेनाथ की आराधना करते हैं तो आपके समस्त संकटों का समाधान होगा इस मंत्र का जप कैसे करना है रुद्राक्ष के माला से मंत्र का जप करना है और कम से कम एक माला करें आपके लिए अच्छा रहेगा